प्रमुख पप्पू यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बंगाल में हार को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज, बंगाल की जनता का किया शुक्रिया अदा। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम की जीत, जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मधुपुर उपचुनाव में जीत को लेकर जनता का जताया आभार। बिहार में बढ़ता कोरोना, पटना में संक्रमण से 82 लोगों की मौत, कोरोना से 5,700 नए केस आए सामने। झारखंड में 4,738 नए पॉजिटिव केस, 1,115 संक्रमितों की, रांची में 913 नए केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मई की शुरुआत में ही पटना में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। पिछले दो दिनों में पटना में जहां 82 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 5,700 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले। रविवार को पटना में अलग अलग अस्पतालों में 38 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 2,748 नए संक्रमित मिले। इससे पहले शनिवार को पटना में रिकॉर्ड 3,024 कोरोना संक्रमित मिले। पटना में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,900 के पार हो गई है, तो वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 89,588 हो गई, जिससे अब कुल एक्टिव संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,590 पर पहुंच गई। तो आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, कोरोना का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और त्राहिमामा मचा रखा है बिहार में कोरोना ने। पिछले दो दिनों में पटना में जहां 82 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, तो वहीं 5,700 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। रविवार को पटना में अलग अलग अस्पतालों में 38 संक्रमितों की मौत हुई है, 2,748 नए संक्रमित मिले हैं। अब कुल एक्टिव संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,590 पर पहुंच गई है और इसी के साथ रिकवरी रेट की अगर बात की जाए, तो रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिला है। मरीजों की संख्या 89,588 हो गई है, स्वस्थ होने वाले। पटना में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,900 के पार पहुंच गई है, लेकिन वही स्वस्थ भी मरीज हो रहे हैं। शनिवार में पटना में 3,024 कोरोना संक्रमित मिले थे। लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है और मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को 3,024 कोरोना संक्रमित मिले, तो वही 24 घंटे में 5,700 तक ये संख्या पहुंच गई है और रविवार को पटना में अलग अलग अस्पतालों में 38 संक्रमित की मौत हुई है, तो वही अब पटना में बिहार में कुल संक्रमितों की बात की जाए, तो पटना में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,900 के पार हो गई है, तो वही मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं, 89,588 लोग स्वस्थ हुए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, शनिवार को पटना में 3,024 कोरोना संक्रमित मिले थे, तो वही 24 घंटे की अगर बात की जाए, तो 5,700 तक ये संख्या पहुंच गई है। बिल्कुल, लगातार पूरे देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, बिहार की स्थिति भी अच्छी नहीं है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिहार में जो 13,534 नए पॉजिटिव आए हैं, ये 24 घंटे में यदि है, और सबसे बड़ी बात है कि आए तो आए, 24 घंटे में रिकॉर्ड 97 मौतें हो गई है, तो कहीं ना कहीं अभी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर बढ़ते जा रहे हैं, ये डरावने संकेत है। अब इससे भयावह स्थिति और क्या हो सकती है, जबकि अभी 15 मई तक अभी स्थिति और खराब हो, अप्रैल में 55 गुना एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़ी है और ये स्थिति बिहार के लिए अच्छे नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आईएमए बिहार और शहर के चार प्रमुख अस्पतालों के
प्रमुखों ने मतलब अधीक्षक ने कोरोना कंट्रोल के लिए 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की, यानी कि अब सरकार से मांग की जा रही है कि यदि आप अब लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो अब आपकी स्थिति बिहार की कोई नहीं संभाल सकता, फ्रंट लाइन में वर्कर भी नहीं कुछ कर पाएंगे, तो कई ऐसी चीजें हैं जो स्थिति बहुत नाजुक है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है, प्रदेश में संक्रमण का दर लगभग 15% बढ़ गया है और खास करके राजधानी पटना की बात करें तो 2748 नए मरीज मिले हैं जो चिंता की बात है, मतलब 3000 के करीब अभी आके आंकड़ा पहुंचने लगा है। जी गौतम, मरीज मिल रहे हैं इतनी भारी तादाद में, लेकिन उसी के साथ अगर रिकवरी की बात की जाए तो किस तरीके से रिकवरी रेट देखने को मिल रहा है, क्या रिकवरी रेट में पहले की अपेक्षा सुधार है? बिल्कुल नहीं, पहले की अपेक्षा सुधार नहीं है, रिकवरी दर जो है वो और भी बेहतर हो सकते थे, लेकिन मृत्यु दर में जो है वो इजाफा हुआ है 24 घंटे में, मैंने बताया कि 97 मौतें हुई है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत नहीं है। लगातार मौत के पीछे ऑक्सीजन बेड और दवा को लेकर के जो चिंताएं हैं मरीज की वो बढ़ती जा रही है, और जहां तक आपका सवाल है कि रिकवरी रेट, तो जो मरीज घर पर हैं उनकी रिकवरी रेट तो नहीं पता चल पड़ी, लेकिन जो अस्पताल में है उनको उनके आंकड़े हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मरीज जो नए मरीजों से आने की तारीख ये बताता है कि आपके आपके सूबे में संक्रमण कितना फैल गया है। अब हालात इतने कि हर चौथा पांचवा व्यक्ति आपको संक्रमित मिल रहा है। जी बिल्कुल गौतम, कहीं ना कहीं अब सरकार को जरूरत है सख्त कदम उठाने की, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं सीधे 3000 से 5000 तक केस पहुंच गए हैं 2 दिन के अंदर ही, जिस तरीके से ये आंकड़े देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को चाहिए कि वो सख्त कदम उठाए। देखिए सरकार के ऊपर एक प्रेशर है, वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से बहुत सारी चीजों में बदलाव हो जाता है, और खास करके जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं जो बिहारी मजदूर हैं वो कम से कम अभी दो सुबह 6 बजे अगर निकलते हैं तो शाम 4 बजे तक काम कर लेते हैं, या जो दुकानदार है या जो दुकानें खुली है उसमें जो लोग आते हैं, कई कर्मचारी आते हैं, कई लोग आते हैं, तो जिसकी वजह से अगर पीक आवर में 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक भी अगर दुकानों को खोलते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि उनका चूल्हा जल जाता है, उनकी ड्यूटी हो जाती है, कोई एबसेंट नहीं होता, तो ये चीजें हैं। सरकार के ऊपर लेकिन प्रेशर है, IMA का सरकार के ऊपर, शहर के 4 प्रमुख अस्पतालों का प्रेशर है जो ये कह रही है कि कंट्रोल करने के लिए 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की लगाना बेहद जरूरी है। आप देखिए कि IMA के जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि अगर मेडिकल एक्सपर्ट की बात नहीं मानी गई तो स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी, मतलब स्थिति अभी नाजुक है, और ऐसे में बिहार में अब रोजगार ये तमाम चीजों को छोड़ करके सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, तो इसलिए बहुत जरूरी है इस वक्त बिहार के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन, तभी जाकर के इस संक्रमण को तोड़ा जा सकता है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए बेहद जरूरी है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन लगा जाए, ये सब सबकी डिमांड है। जी बिल्कुल, सरकार को कहीं ना कहीं अब कदम उठाने की तो जरूरत है ही, और जिस तरीके से लॉकडाउन की बात की जा रही है तो क्या सरकार लॉकडाउन लगाने से डर रही है कि जनता को इस दौरान बदहाली का सामना करना पड़ेगा, तमाम आर्थिक से संबंधित तमाम सवाल इस दौरान खड़े होते हैं और जनता को इस दौरान समस्या का सामना करना पड़ सकता है? सब कुछ जनता को समझना है, सब कुछ जनता के ऊपर ही आ जाती है, कोई भी चीज हो, चाहे बात स्वास्थ्य की हो या किसी और चीज की, जनता को इसलिए समझना है क्योंकि जनता को तब पता चलता है कि मैंने जो वोट जिन प्रतिनिधि को दिया है उसका इसमें कोई रोल नहीं है, वो आपके मरीज की जान नहीं बचा सकता, ना वो सिस्टम है, तो ऐसे में सवाल उठता है। लेकिन अभी जो कोरोना का संक्रमण है, संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सरकार को डॉक्टर की जो सलाह है वो मान लेनी चाहिए, सरकार मुझे लगता है कि निर्णय लेगी, और आपने देखा कि पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी नीतीश कुमार ने, उसके बाद
सभी दलों के नेताओं से सुझाव लिए गए। उसके बाद नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद शाम 4 बजे से कंप्लीट, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू की व्यवस्था की गई। तो आज या कल सरकार को बड़े और कड़े निर्णय ले सकती है, क्योंकि बिहार के अंदर अब शमशान घाटों में भी जगह नहीं है जलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं 3534 नए पॉजिटिव मरीज, 24 घंटे में रिकॉर्ड 97 मौत और अप्रैल में 55 गुना बढ़े एक्टिव मरीजों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि प्रदेश में संक्रमण का दर बढ़कर 15% आखिर कैसे पहुंचा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अब सरकार को पूछना होगा, लेकिन फाइनली सरकार को निर्णय लेना है। हालांकि सरकार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी लोग हैं वो कई नेताओं ने इस बात को माना है कि बिहार में लॉकडाउन लगा दिए जाने चाहिए, क्योंकि स्थितियां बेहद खराब है और ये जो आंकड़े हैं वो और भी धीरे धीरे रैपिडली बढ़ रही है। अगर इनको कंट्रोल करना है तो सरकार को सेहत की चिंता करनी होगी, न कि उनके रोज कमाने रोज खाने की चिंता करनी होगी, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं अब इस चेन को तोड़ने की जरूरत है, जिसके लिए लॉकडाउन लगाना आवश्यक माना जा रहा है। जब तक लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा कोरोना की चेन आसानी से नहीं टूटेगी, और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं बेहद ही भयावह आंकड़े ये देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो पटना में लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है कहीं ना कहीं अब सरकार को भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है और जनता को भी जागरूकता की जरूरत है। देश भर में कोरोना के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिखने लगा है। खबरों की माने तो राज्य में महज 4738 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो राजधानी रांची में मात्र 913 नए एक्टिव केस मिले। इसके साथ ही राज्य में कुल 115 संक्रमितों की मौत हुई है। तो वहीं राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 244,472 हो गया, जिनमें 58,519 सक्रिय मामले हैं। साथ ही कुल 2,944 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि रात बड़ी खबर इस दौरान देखने को मिली है, जिस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है और दूसरा पड़ाव एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये दूसरा पड़ाव है और इस दौरान कड़ी सख्तियां बरती जा रही है। इसका असर भी अब दिखने को लगा है। खबरों की माने तो राज्य में महज 4738 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और रांची अगर बात की जाए सिर्फ रांची की तो राजधानी रांची में मात्र 913 नए एक्टिव केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल 115 संक्रमितों की मौत हुई। तो राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा अब 244,472 हो गया, जिनमें 58,519 सक्रिय मामले हैं। कुल 2,944 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। तो जिस तरीके से अब झारखंड में सुधार देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बेहद ही अच्छी खबर, बेहद ही राहत भरी खबर ये सामने आई है। और इस दौरान राज्य में महज 4738 नए पॉजिटिव केस आए, तो सिर्फ रांची की अगर बात की जाए तो 1000 से कम 913 एक्टिव केस इस दौरान देखने को मिले हैं। 115 संक्रमितों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं अब रिकवरी रेट में भी यहाँ सुधार देखने को मिल रहा है। जनता और सरकार के बीच समन्वय देखने को मिल रहा है। जनता जागरूक है, जनता भी सरकार को सहयोग कर रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, राहत भरी खबर ये सामने आई है, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि दूसरा पड़ाव ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का है और कई सख्तियां इस दौरान जो बरती जा रही है उसका असर अब देखने को लगा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आंकड़ों पे अब गौर करना शुरू करिए तो स्पष्ट दिखाई देगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ने राज्य में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े थे उन आंकड़ों पर अगर हम गौर फरमाएं तो हम पाते हैं कि जहां संक्रमित मरीजों के आंकड़े में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं स्वस्थ होकर घर को लौट रहे मरीजों में भारी बढ़ोतरी दिख रही है। और इन दोनों आंकड़ों को लेकर ही पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा आप कह सकते हैं परेशानी का कारण बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों आंकड़ों में सुधार हो रहा है राज्य की जनता के लिए सरकार के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। और खासकर की झारखंड की स्थिति जिस तरीके से काफी विकराल रूप लेती जा रही थी कोरोना संक्रमण की वजह से, वहां अब राज्य की जनता के लिए भी काफी आप कह सकते हैं राहत मिली है। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भयावह रूप आंकड़े लेते जा रहे थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाने से इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं अब कोरोना संक्रमण पर रोक लगती हुई नजर आ रही है, तो सरकार भी अब इसमें कामयाब हो रही है। बिल्कुल, देखें ये तमाम मेडिकल एक्सपर्ट की माने या जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं या कोरोना को लेकर जो लोग नीति निर्धारित कर रहे हैं तमाम लोगों की बात माने तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राज्य की एक तिहाई या देश की एक तिहाई आबादी का कम से कम टीकाकरण किया जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, लॉकडाउन के जरिए, आपको एक अहम जानकारी देने आस्था कि कल प्रधानमंत्री की कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी तो देश के नेशनल कोरोना टास्क फोर्स ने भी प्रधानमंत्री को यह सुझाव दिया है कि देश में कम से कम 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन लागू किया जाए। तो जाहिर सी बात है इस बारे में आप कह सकते हैं कि तमाम लोग भली भांति समझ रहे हैं कि अगर संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन लगाना ही होगा। ये व्यवस्था तब तक जारी रखनी होगी जब तक टीकाकरण अभियान को नई गति नहीं दी जाती। तो जाहिर सी बात है इस संक्रमण को चेन को तोड़े बिना इस बीमारी से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, कतई मुमकिन नहीं है। और शायद इसी वजह से आप देखें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे हफ्ते में है, महज 3 दिनों का यह और बचा हुआ है, 3 तारीख है, फिर से 6 मई की सुबह 6 बजे तक है। जिस तरीके से नतीजे निकल कर आ रहे हैं आपका और टीकाकरण जो तीसरे चरण का 18 साल से 45 साल के युवाओं का टीकाकरण होना था उस टीकाकरण में देरी हो रही है। आप यकीन मानिए 5 तारीख को जब आपका प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी यह लॉकडाउन और बढ़ाने की अनुशंसा जरूर की जाएगी क्योंकि राज्य अब धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौटना शुरू कर चुका है। जी कुंदन जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है और बाकी जो भी फैसले होंगे वो राज्य पर उन्होंने छोड़ दिए थे, लॉकडाउन के या फिर जिस तरीके के निर्णय लेने हैं वो राज्य सरकार पर छोड़ दिए गए थे, तो क्या सरकार के पास लॉकडाउन ही एकमात्र आखिरी उपाय है इस कोरोना की चेन को तोड़ने का? जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, जिस संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, वहां पर महज यही एक उपाय है तब तक जब तक लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता है। नहीं तो आपको मैं बताऊं, जब 2020 में देश लॉकडाउन में गया था उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तब हमने जिस तरीके से मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू किया था ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे, लेकिन एक अंतराल के बाद हमने सबसे पहले सैनिटाइजर को अपने से दूर किया, सोशल डिस्टेंसिंग को दूर किया और फिर मास्किंग का प्रयोग भी हमने लगभग छोड़ चुके थे, लेकिन उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। तो जाहिर सी बात है जब तक टीकाकरण नहीं होता है तब तक कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही अभी खासकर के अभी की परिस्थितियों के बात करें तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा था सरकार के द्वारा, वो चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें। आपका जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि टीकाकरण कब तक शुरू हो पाएगा? टीकाकरण पर जिस तरीके से 18 साल से ऊपर के उम्र के जो लोग थे उन्हें टीकाकरण 1 मई से शुरू कर दिया जाना था, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते ये शुरू नहीं हो पाया है, जिस वजह से लोगों में खासी नाराजगी भी इस दौरान देखने को मिली थी। देखिए अगर झारखंड में टीकाकरण के तीसरे चरण की बात कर ले तो मैं आपको बताऊं कि झारखंड में 18 साल से 45 साल की आयु के लगभग 1,57,00,000 लोग हैं
जो पिछली जनसंख्या थी उस जनसंख्या के मुताबिक मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, लगभग 1,57,00,000 लोग झारखंड के नागरिक हैं या झारखंड में रहते हैं। इन 1,57,00,000 लोगों को टीकाकरण के लिए पहले ही राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं आपदा प्रबंधन के फंड से, और इन दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों को 25-25 लाख टीके के आदेश दे दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों निर्माता कंपनियों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपूर्ति राज्य को कब तक प्राप्त हो पाती है, क्योंकि राज्य को जब तक इन टीकों की आपूर्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक टीकाकरण अभियान का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। और मुख्यमंत्री ने कल भी इस बात को लेकर जनता को आश्वासन दिया है कि तीसरे चरण में 18 साल से 45 साल की आयु वर्ग के तमाम लोगों को मुफ्त टीका दिया जाएगा पूरे राज्य में। तो अब यह निर्भर करता है उन निर्माता कंपनियों पर जो टीके का निर्माण कर रहे हैं और राज्य सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार को उनके द्वारा टीका कब मुहैया करा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से आदेश दे दिए जा चुके हैं 25-25 लाख डोजेस के लिए। और दूसरी खबर आपको बता दूं कि इस महीने मई महीने में 1 तारीख को स्पुतनिक 5.5 लाख खुराक रूस से चलकर हैदराबाद पहुंच चुके हैं, और हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी के जरिए इस टीका को पूरे देश में वितरित किया जाएगा। और इस महीने उम्मीद यह की जा रही है स्पुतनिक 5 से 30 लाख टीके रूस से आयात किए जाएंगे। उस टीके के आने के बाद भी आप कह सकते हैं कि टीकाकरण को एक नई गति मिलने की संभावना है। और जाहिर सी बात है दो और टीका बहुत जल्द बाजार में आने की तैयारी में है। अब देखना अहम यह है कि तब तक ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड झारखंड को कब तक मुहैया हो पाता है और झारखंड में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हो पाती है। जी बिल्कुल, टीके को लेकर सवाल खड़े होते हैं, यही कई सवाल है कि कब तक ये झारखंड को मुहैया हो पाते हैं, कब तक युवाओं को वैक्सीन लग पाती है और कब तक ये जो कोरोना की चेन है ये टूट पाती है, ये कई सवाल है जो खड़े होते हैं। अब देखना ये हुआ कि आगे क्या होता है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से कोरोना की चेन टूट पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, लगातार राज्यों में देखने को मिल रहा है कि नए केस सामने आ रहे हैं, केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं झारखंड में राहत भरी खबर सामने आ रही है। झारखंड में रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिल रहा है, संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एलजीपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मिथिलेश सिंह ने अस्पतालों में बेड नहीं मिलने और अन्य स्वास्थ्य सुविधा संबंधित दुर्दशा के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कई अन्य मुद्दों को लेकर लोजपा सचिव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी की है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसी पर मिथिलेश सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य सुविधा पर कई सवाल उठाए हैं। बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुद्दा हमारे पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष क्या हुआ है और एक बार नेता का अपहरण हुआ है, बिहार सरकार कहती है जंगल वास खा पाइए, अब जंगल वास से बेसी जंगल वास होता है सरकार में, और ये सरकार लुटेरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, इस सरकार में किसी आदमी का इज्जत आदर रखती नहीं है। अभी कोरोना में पूरे बिहार में कहीं किसी रोगी का इलाज होने वाला नहीं है। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल कुमार उरांव की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने 3 दिन पहले उनका अपहरण किया था और छोड़ने के एवज में 10 लाख की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने डर से अपराधियों द्वारा बताई गई जगह भुटहा मोड़ पर फिरौती की रकम पहुंचा भी दी थी, लेकिन फिर अपराधियों ने एलजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया और आज सुबह उनकी लाश के नगर थाना क्षेत्र के भुटहा मोड़ के पास मिली, तो इलाके में सनसनी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जुट गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने शहर में बवाल किया। प्रशासन के आधार पर हमने जो एप्लीकेशन दिया
उसी दिन रात में 11 बजे रात में एप्लीकेशन दिया गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इतनी सुस्ती थी प्रशासन की जिसकी वर्णन नहीं कहा जाए। आज जिस तरह से चुस्ती दिखा रहे हैं, अगर ये चुस्ती उसी दिन दिखाते तो आज ये घटना नहीं होती, आज हम लोग इस चौराहे पे नहीं रहते। पर बुला करके रास्ते में उठा लिया या जब निकला है इसके पीछे आदमी लगा करके साजिश के तहत इसको उठा लिया गया सर्किट हाउस के पास, बुझ गए। उससे उस दिन से बोल दिया कि हम लोग 1-2 घंटा में इसको भेज देंगे। वो सब मास्क लगाए हुए थे, अब उसमें कौन था नहीं था ऐसे हम लोग को समझ में आया नहीं, ताकि नेता आदमी है तो हम लोग कहीं। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।